दोस्तों, एक ऐसी मीठी आवाज की मालिक जिन्होंने अपनी आवाज के चलते कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में सुरों की रानी श्रेया घोषाल के बारे में। तो दोस्तों, आज की स्टार्स लाइफ स्टोरी की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रेया घोषाल के लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। अगर आप श्रेया घोषाल के फैन हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनका रियल नेम श्रेया घोषाल है और निकनेम पीयू और वॉइस क्वीन ऑफ इंडिया। प्रोफेशन से एक प्लेबैक सिंगर, कंपोजर और सॉन्ग राइटर है। इनका जन्म 12 मार्च 1984 को मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में हुआ था और आज 2023 के हिसाब से ये 39 इयर्स की हो चुकी है और इनका होम टाउन रावत भाटा राजस्थान इंडिया में है। बात करें अगर इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में तो इनकी हाइट 5 फीट 3 इंच है। इनकी आईज का कलर ब्लैक है और इनके हेयर्स का कलर भी ब्लैक है। रिलीजन से ये हिंदू है और इनकी नेशनैलिटी इंडियन है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 4 रावत भाटा से पूरी की है और कॉलेज की पढ़ाई SIES कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स वेस्ट मुंबई से पूरी की है। बात करें अगर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो ये ग्रेजुएट है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। दोस्तों, इनके फादर का नाम विश्वजीत घोषाल है जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इनकी मदर का नाम शर्मिष्ठा घोषाल है जो कि एक लेक्चरर है। इनका एक भाई है जिसका नाम सौम्यदीप घोषाल है। बात करें अगर इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो ये मैरिड है और इनके हस्बैंड का नाम शीलादित्य मुखोपाध्याय है जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, जिससे इनकी मैरिज 5 फरवरी 2015 में हुई थी। इनका एक बेटा है जिसका नाम दिव्यान है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। दोस्तों, श्रेया ने 4 साल की उम्र से ही म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था और 6 साल की उम्र में इन्होंने क्लासिक म्यूजिक में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। साल 1995 में इन्होंने ऑल इंडिया लाइट वोकल म्यूजिक कॉम्पिटिशन जीता था जो न्यू दिल्ली संगम कला ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। मुंबई शिफ्ट होने के बाद इन्होंने लेट मुक्ता भिड़े जी से क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक में अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू की। इनका फर्स्ट स्टूडियो एल्बम बेन देची बीन, जिसमें 14 गाने थे, 1 जनवरी 1998 में रिलीज हुआ था। साल 2020 में इन्होंने फेमस रियलिटी शो सारे गामापा में एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया और ये इस शो की विनर भी बनी थी। सारे गामापा की सक्सेस के बाद श्रेया ने बॉलीवुड मूवी देवदास के सॉन्ग से डेब्यू किया, जिसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर भी मिला था, जिसमें इन्होंने 5 सॉन्ग गाए थे जिनके नाम इस प्रकार से है, सिलसिला ये चाहत का, बैरी पिया, चालाक चालाक, मोरे पिया और डोलरे डोला। ये सभी सॉन्ग आते ही सुपरहिट रहे और इसके बाद से लोग श्रेया को जानने लगे। इसके बाद इन्होंने कुछ अन्य मूवीज में भी अपने सॉन्ग दिए जिनके नाम इस प्रकार से है, मुन्ना भाई MBBS, LOC कारगिल, जहर, खोया खोया चांद, जब वी मीट, यू मी और हम। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताना कि श्रेया घोषाल का कौन सा सॉन्ग आपको सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे लाइव कंसर्ट भी किए हैं। एज ए जज ये स्टार वॉइस ऑफ इंडिया 2007 में, इसके बाद ये एक्स फैक्टर इंडिया, इंडियन आइडल जूनियर और अब साल 2023 में सोनी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो इंडियन आइडल सीजन 14 में भी नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड अचीव किए हैं जो कि इस प्रकार से है, इनको 5 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है और 1 बार RD बनमर अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट और 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड साउथ फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर भी मिला है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी हॉबीज के बारे में। तो दोस्तों, इनको ट्रैवलिंग और सिंगिंग का बहुत शौक है। बात करें अगर इनकी फेवरेट थिंग्स के बारे में तो इनका फेवरेट फूड रसमलाई है,
इनके फेवरेट एक्टर गुरुदत्त है और इनकी फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और वहीदा रहमान है। इनकी फेवरेट सिंगर लता मंगेशकर और आशा भोसले है। इनका फेवरेट डेस्टिनेशन मॉरिशस है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके घर के बारे में कि ये रहती कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में अपनी फैमिली के साथ रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इनके पास पहली कार है मर्सिडीज बेंज GLS, दूसरी कार है ओडी A8 और तीसरी कार है BMW 3 सीरीज। बात करें अगर इनकी इनकम और सैलरी के बारे में, तो ये पर सॉन्ग का 15 लाख रुपए चार्ज करती है और लाइव कॉन्सर्ट का 5 लाख रुपए चार्ज करती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्क के बारे में। तो दोस्तों, श्रेया घोषाल की टोटल नेटवर्क 205 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोस्तों, ये थी श्रेया घोषाल की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।